मोदी साहब इस वक्त डिमांड में हैं, पीएम मोदी इन बिग डिमांड। Indian Prime Minister Narendra Modi is set to visit Russia next week and meet with President Vladimir Putin. पूरी दुनिया में इस वक्त जो नजरें हैं वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हैं और उनके मॉस्को विजिट पर हैं। रूस ने भारत के लिए तोहफों की झड़ी लगा दी है। This comes as the U.S. and other Western countries have been trying to isolate Russia for its invasion of Ukraine. PM Modi के रूस पहुंचने से पहले ही भारतीय सैनिकों को 35,000 AK-203 राइफल्स पहुंचा दी गई हैं। ये AK-203 राइफल्स रूस की मदद से भारत में ही बनाई गई हैं। वेस्टर्न ममालिक जो हैं, they are not absolutely happy. मोदी साहब को रेड कार्पेट वेलकम दिया जाएगा और प्राइवेट डिनर रखा गया। इंडिया रशिया जो रिलेशनशिप है इसको प्रिविलेज्ड स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। स्पेशल एंड ये बात अपनी जगह पर सही है कि मोदी साहब का कोई भी विजिट शी जिनपिंग के लिए खतरे का बायस हो। मोदी साहब का जो दौरा है, एक तो ये पहला दौरा है यूक्रेन की जंग के बाद, 5 साल के बाद ये पहली समिट हो रही है, 2 दिन की समिट होगी वहां पे। चाइना का तो बहुत बड़ा दर्द सर बना हुआ है। चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट, तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा हो। चाइना तो जितनी कीनली ये देख रहा है विजिट, तो शायद उतनी कीनली तो वेस्ट भी ना देख रहा हो, क्योंकि चीन को बहुत चाइना वरिड है कि जो टॉक्स होंगी और जो प्राइवेट डिनर रखा है प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, उसमें क्या बात होगी और ये आखिर इतने नज़दीक फिर से क्यों आ रहे हैं। फिर से क्या, वो तो अलहदा कभी हुआ ही नहीं थे सर, उनमें अलहदगी नहीं हुई थी। हाँ, चाइना ये क्योंकि फर्स्ट टाइम करीब आ रहा है, जो हालात हैं जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है उसकी वजह से, इसलिए उसे महसूस हो रहा है। और सिर्फ चाइना ही क्या, क्या पाकिस्तान को जेलसी महसूस नहीं हो रही? पाकिस्तान भी अंदर से जेलस हो रहा होगा कि देखिए जब हमें बुलाया जाता है तो हमें तो ऐसा इस्तकबाल नहीं दिया जाता, हमें तो इस तरीके से वेलकम नहीं किया जाता। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो क्या उसका पूरी दुनिया में उसका जो पुतिन से मुलाकात होती है उसका इस तरीके से चर्चा होता है? नहीं, कभी भी नहीं। जब मीटिंग हो जाती है तो पता चलता है, सब पिक्चर्स और फुटेजेस जो आई हैं वो सारी आ जाती हैं बाहर कि जनाब ये हुआ है कि वो पुतिन साहब खड़े थे तो उनसे हाथ मिलाने के बजाय जो है वो आगे निकल गए और सरगई लवरों से उन्होंने हाथ मिला लिया, इस तरह की खबरें। लेकिन मतलब जेलसी तो फिर पाकिस्तान को भी हो सकती है, हो रही होगी अंदर खाने के, देखिए अब ये जो है ये तो फिर से बहुत करीब आ रहे हैं और बड़ा। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंडिया और रशिया कभी भी दूर नहीं गए थे, वो हमेशा से करीब हैं और करीब ही रहेंगे। और उनके इन दोनों का जो विजिट है, जो मुलाकात होगी, उसमें आप देखिएगा कि कैसी गर्म जोशी नज़र आती है। खबरें ये आ रही हैं कि मोदी साहब को रेड कारपेट वेलकम दिया जाएगा और प्राइवेट डिनर रखा गया है। और यही नहीं बल्कि वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत जोश शोरों से तैयारियाँ कर रहा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। क्रेमलिन ने बहुत तैयारी कर रखी है, क्रेमलिन की जो सारी इसमें तैयारी नज़र आ रही है कि रेड कारपेट तो है ही, उसके साथ भी और बहुत कुछ उन्होंने रखा है मोदी साहब को वेलकम करने के लिए। एक ग्रैंड विजिट है ये और उनका ग्रैंड वेलकम होगा मोदी साहब का वहाँ पर। तो उसमें जो मैंने ये बात कही कि भारत का वज़ीर आज़म इन डिमांड, पूरी दुनिया में हर एक की नज़रें भी उस पर हैं और हर कोई ये चाहता है, हर कंट्री ये चाहता है हमारी तरफ आए। इसमें एक और सवाल कि वेस्ट जेलस क्यों होगा, क्योंकि वेस्ट के तो खुद इतने अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के साथ। मोदी साहब के जब फ्रांस के वहाँ पर लीडर जाते हैं इंडिया में तो उनको रोड शो में वो लेकर जाते हैं, आपने देखा था, मैक्रोन से लेकर वहाँ के जो हैं लीडर्स वो तो इंडिया में उनका जिस तरह इस्तकबाल किया जाता है और हाथों में हाथ डालकर, मैक्रोन के साथ आपने देखा कैसे नरेंद्र मोदी और मैक्रोन हाथों में हाथ डालकर एक गाड़ी पर खड़े होकर वो जो रोड शो हुआ था वो क्या आपने नहीं देखा? फिर और वेस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब से ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। और जॉर्जिया मेलोनी तो आपको पता है वो तो दीवानी है, वो तो गर्विदा है मोदी साहब की, इतनी बड़ी फ़ैन है वो कि वो आपको पता है वो मोदी मेलोडी जो चलती है सेल्फी उन्होंने फिर खुद से बनाई है। तो वेस्ट भी मोदी साहब को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये हमें नज़र आता है। और तो फिर जेलसी के साथ साथ जाहिर अंदर तो देखें
दोस्त जो है वो जब किसी का दोस्त किसी थर्ड पर्सन का दोस्त होता है तो वो कहता है कि हैं गुड़िया ओथे भी ते अथे भी होता है ना, कि असल में बात यह है कि वेस्ट ये सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए वो वधाइयाँ किसी दे नाल ते लाइयाँ किसी दे नाल, लाइयाँ किसी दे नाल ते वधाइयाँ किसी दे नाल, ये कहा जाता है पतंग चढ़ाता कोई है तो काट के कोई और ले जाता है, असल में वेस्ट को ये फिक्र है। लेकिन क्योंकि और सारी की सारी ये वेस्टर्न ममालिक कहते हैं कि इंडिया जो है वो रशिया की जो जंग है यूक्रेन के साथ उसका मेन फाइनेंसर है, अगर इंडिया पैसे ना दे, पिछले मिसाल अगर $54 अरब का लेट से वो तेल नहीं खरीदते तो रशिया के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जंगें लड़ सके। सो बेसिकली तो ये जंग जो है वो भारत लड़ा रहा है, वो ये कह रहे हैं, ये कुछ जिसे आप कहें ना कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियोस हैं जो मैं जाती नज़र में समझता हूँ कि ये अब आप फॉर एग्जांपल क्या नाम है उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं ठीक है और जो क्या नाम है उसका पुतिन साहब प्राइवेट डिनर उनके लिए होस्ट कर रहे हैं ठीक है जी। बड़ी बात होती है प्राइवेट डिनर, एक होता है स्टेट डिनर एक होता है प्राइवेट डिनर ठीक है जी, मतलब स्टेट डिनर तो है ही है उनके लिए होंगे जारी बात है, लेकिन ये समझ लें कि मोदी साहब का पहला ट्रिप है जब से 2022 में जंग शुरू हुई और ये कहा जा रहा है कि दिस इज 22nd एनुअल इंडिया रशिया समिट ठीक है जी, 3 सालों के बाद ये समिट हो रही है। वैसे तो इंडिया कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन व्हाट इज द पर्पस 3 साल बाद ये समिट क्यों हो रही है? एट टाइम्स ये लगता है कि इंडिया सिग्नलिंग कर रहा होता है, अगर समिट नहीं की तो दुनिया को बता दिया कि जी वो कोविड है ये है वो है, कोविड के बाद ये यूक्रेन की वॉर आ जाती है, नहीं समिट की ठीक है जी, वेस्टर्न ममालिक को इतना नाराज भी नहीं करना, अनॉय नहीं करना ठीक है, जबकि बायलैटरल ताल्लुकात में इंडिया कमी नहीं आने देता ठीक है जी। और ये आपको मैं मजे के बाद बताऊं कि ये जो एनुअल इंडिया रशिया समिट है ये प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने की है ठीक है जी, ये तब से चल रही है और तब भी जारी बात है बीजेपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी ठीक है जी। और अब देखना ये है कि जिसे कहेंगे ना कि मोदी साहब जो हैं बायलैटरल विजिट रशिया का कर रहे हैं, हाँ मल्टीलैटरल उन्होंने G7 का करके वहां सारी लीडरशिप से मुलाकातें वो कर ली। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया की जो अवाम है डायस्पोरा जिसे बोलते हैं उससे भी वो मॉस्को में मुलाकातें करेंगे। मैं साइकोलॉजी के क्लास के स्टूडेंट्स से मिलकर आया हूँ, फिलोसफी के क्लास के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले बच्चे देखे हैं, उन्हें पहले लेक्चर में ये बताते हैं कि ये सब झूठ है, इसको सीरियस नहीं लेना, सच तो हमें पहले ही पता है, ये पेपर पास करने के लिए पढ़ना है सिर्फ।